लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से मोदी 3.0 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी रविवार की शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि चुनावों में आशातीत प्रदर्शन न कर पाने के बावजूद एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जो 543 सदस्यता लोकसभा में बहुमत के 572 के आंकड़ों से ज्यादा हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गुरुवार को दिन भर बैठक की और सरकार गठन के प्रयासों को गति देने को लेकर विचार विमर्श किया। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बता दें आपको, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा, हमारी पार्टी जेडीयू भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। ये बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से ये पीएम है और फिर पीएम होने जा रहे हैं। उन्होंने पूरे देश की सेवा की है और उम्मीद है कि अगली बार सब पूरा कर देंगे। नीतीश ने कहा, हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। हमें लगता है कि अगली बार जब आएंगे तो कुछ सीट जो ये जीत गए हैं अगली बार सब हारेंगे।